नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं बिहार नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं फुल्ली डूमर प्रखंड के वितिया पंचायत में। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है विविता भारती जी, और ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उनके कार्यवाहक जितेंद्र जूनियर जी हैं। आइए सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं और जानते हैं पंचायत की समस्या को। 18 से 19 माह हो गए उनको चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है और विकास कार्यक्रम में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जूनियर जी हमारे न्यूज चैनल में। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो हर पंचायत में मुखिया से मिल करके और मुखिया की समस्या को और जनता की समस्या से रूबरू होने का जो काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल को। हमारा पहला सवाल, जल नल की क्या स्थिति आपके पंचायत में? जल नल की स्थिति सर, यहाँ का पानी का जो लेयर है बहुत कम है, और जिसके वजह से जल नल का ये बना हुआ तो है, लेकिन क्या कहा जाए कि संपूर्ण रूप से सबको जल मुहैया नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा। टोटल कितने जल मीनार हैं आपके पंचायत में? 16 वार्ड है, 16 जल मीनार है। पीएचडी से कितने और पीआरडी से कितने हैं? पीएचडी से 3 हैं, और किसी किसी वार्ड में जैसे 16 है, जिसमें किसी किसी वार्ड में 2 भी जल मीनार है, उसमें से कोई बंद है पानी के लेयर नहीं होने की वजह से, कोई चालू है। लिखित रूप से शिकायत किए हैं आपने? जी, ये तो करीब करीब रिपोर्ट तो होते रहता है, करीब हम स्टाफ के माध्यम, कर्मचारियों के माध्यम से भी होता है कि इसका ये स्थिति है, यहाँ ये कमी है, ये पानी की कमी है, यहाँ ये बंद है। क्योंकि ये 7 निश्चय योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपके पंचायत में धरातल पे नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है, क्योंकि आपका हमारे पंचायत का जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वो भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें खास विशेष सहयोग की जरूरत है सरकार की तरफ से। टोटल राशन कार्डधारी कितने हैं आपके पंचायत में? टोटल राशन कार्डधारी प्रतिशत में बताइए आप। प्रतिशत 50% लोग, 60% लोग? 60% प्लस होगा। 60% प्लस है आपके पंचायत में। समय पे राशन मिल जाता है सबको? करीब करीब तो मिल जाता है। डीलर के द्वारा किसी भी प्रकार की दिक्कत? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सारे लोग को राशन मिलते हैं समय? बिल्कुल, करीब करीब मिल जाता है। मिलते हैं डीलर से आप लोग? हाँ, मिलते हैं। कोई परेशानी जनता को नहीं आती? नहीं, ऐसा तो नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लोग को आवास मुहैया करवाए आप? हम तो अपने रीजन में नहीं करा पाए हैं, क्योंकि जो चल रहा है अभी योजना, वो आपका 21-22 का ही चल रहा है, इसलिए हम नया जो है आवास किसी को नहीं दिला पाए। 15वीं वित्त आयोग से क्या क्या विकास का कार्य हुआ आपके पंचायत में? पंचायत में गली कुछ बना है, पक्की गली, नाला भी बना है, और कुछ मरम्मती का भी काम हुआ है नाला का। सिस्टम से क्या विकास हुआ है? सिस्टम से भी गली नाली बना है, और इसके बाद आपका ये कहीं कहीं मरम्मती भी की है। मनरेगा वगैरह से भी कुछ कार्य हुआ आपके पंचायत में? मनरेगा से पोखर निर्माण, पोखर की मरम्मती, ऐसा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बना है। गली नली की क्या स्थिति आपके पंचायत में? गली नली अभी बननी बहुत है, बहुत सी बाकी है। वैसे पहले के हिसाब से अभी मतलब कुछ सुधार है, पहले स्थिति ठीक नहीं थी पंचायत की। पंचायत घूमते हैं मुखिया जी आप, जी मूल समस्या क्या आती है विकास कार्य को लेकर के आपके पंचायत में? लोगों के बीच जाते हैं, मिलते जुलते हैं, इस बीच में आपको किस कारणवश आप विकास कार्य नहीं कर पा रहे? क्या समस्या है जिस कारणवश आप विकास नहीं कर पा रहे? ठीक है, सबसे पहले जो मुखिया की जिस तरह से होनी चाहिए, जो सोच लेकर के मुखिया मतलब आता है जनता के बीच में, उस तरह से सरकार का सहयोग जो होनी चाहिए उस तरह का नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अभी एक आपका सोलर लाइट का जो स्कीम जो आया, इसमें मुखिया का इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सारा सुनना और सहना मुखिया को ही पड़ता है। इसमें मुखिया का कम से कम होना चाहिए कि मुखिया का भी दायित्व होना चाहिए, जबकि मुखिया के द्वारा ही सारा कार्यभार हो रहा है, और इसका दायित्व भी मुखिया के ऊपर ही आता है, कहीं कुछ हो जाता है तो मुखिया को ही लेता है उस तरह का। दूसरी बात है कि हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे पंचायत में खास तौर से आपका किसान है, और किसान लोग जो खेती पर निर्भर हैं, इसको सिंचाई की सुविधा बहुत ज़रूरी है, और पानी की समस्या हमारे पंचायत में बहुत खास है, और थोड़ा हम चाहेंगे कि एक अपने सरकार को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि मुखिया को जो पहले था उस तरह का कुछ सिस्टम ऐसा लाए जो कि मुखिया खुल करके जनता के बीच काम कर सके। जैसे में मनरेगा का जो काम है, वो मनरेगा का जो काम है उसका जो मजदूरी है वो बहुत कम है, लेबर का जो मजदूरी है वो बहुत कम है,
पक्की जो काम है वो पक्की हम लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, जबकि बहुत सा काम जो है पंचायत में पड़ा हुआ है पक्की काम करने के लिए, लेकिन हम लोग पक्की काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका सिस्टम से हम लोग ऐसे बंधे हुए हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, और मनरेगा का जो भुगतान है वो भी समय पर जो है नहीं हो पा रहा है, जो कि हम बिल्कुल जन जन तक लाभ पहुँचा सकें वो नहीं हो पा रहा है। चलिए, ये थे जितेंद्र जूनियर जी, और इनकी मूल समस्या सिंचाई को लेकर के है। ये हमारे चैनल के माध्यम से पंचायती राज तक ये घोषणा करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत को मुख्य समस्या इसकी पंचायत में सिंचाई को ले, कृषि प्रधान देश भारत है और इनका पंचायत किसान पे ही डिपेंड करता है, और हम चाहते हैं कि पंचायती राज मंत्री तक हमारे इस पंचायत का आवाज़ जाए। कैमरामैन गौरव के साथ सहयोगी अमित कुमार।